हेलो फ्रेंड्स, पिछले 10 दिनों से ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार सहारा मैनेजमेंट और सहारा ग्रुप के खिलाफ कमर कस चुकी है। पिछले 10 दिनों से मोदी सरकार लगातार सहारा के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले 7-8 दिन पहले ईडी ने सहारा के 6 ठिकानों पर रेड की थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त किया था, करोड़ों रुपए कैश भी लिए थे। साथ ही साथ 24,000 करोड़ रुपए घोटाले से संबंधित जांच जो चल रही थी उसमें कई कागजात भी जब्त किए थे ईडी ने। उसी समय जब यह कार्रवाई चल ही रही थी तभी लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकार ने सहारा शहर जो कि लखनऊ में है उसका जो ज़मीन का लीज था, 100 एकड़ ज़मीन का लीज, उसको आनन फानन में बैठक करके एक ही दिन में रद्द कर दिया जाता है। अब कल के डेट में सेबी ने सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो टोटल अकाउंट था, खाता था, चाहे इसके प्रमोटरों का खाता हो या फिर निदेशकों का हो या फिर सहारा के टॉप मैनेजर्स का खाता, उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट, सारा कुछ सेबी ने अटैच कर लिया है, कुर्क कर लिया है और इसके बाबत नोटिस जारी कर दिया गया है। बैंकों को भी अब इसकी सूचना दे दी गई है। टोटल 14,106 करोड़ रुपए जो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट किया गया था निवेशकों के द्वारा, अब उस संपत्ति, उस कैश, उस प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है, कुर्क कर लिया है। जी हां दोस्तों, लगातार तीसरी कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ की गई है पिछले 10 दिनों में। क्या है पूरी खबर दोस्तों? पिछले जो दो खबरें थी, ईडी की रेड की और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो 100 एकड़ ज़मीन जो लीज रद्द की गई थी, इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब सेबी ने जो 14,106 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सहारा के टॉप मैनेजर्स प्रमोटर्स का जब्त किया है, उसको लेकर एक बड़ी सूचना आ रही है, खबर आ रही है। सेबी ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेबी का नोटिफिकेशन। क्या है पूरी खबर, उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह जो खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी के नाम से जाना जाता है, ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशकों, प्रमोटरों और प्रबंधकों के बैंक अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट और जो म्यूचुअल फंड से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट था, इनका पोर्टफोलियो जिसमें रहता है, वो सारा कुछ को अटैच कर लिया है। इस कार्रवाई से पहले सेबी की तरफ से नोटिस भेज कर इसका जवाब मांगा गया था सहारा के प्रमोटरों और मैनेजरों से, लेकिन इस नोटिस का जवाब सहारा मैनेजमेंट ने नहीं दिया था। नोटिस में सेबी ने पूछा था कि जो आम जनता से सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 14,106 करोड़ रुपए जो निवेशकों से लिए गए थे, उस राशि के बारे में डिटेल से सेबी ने जानकारी मांगी थी, लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद सेबी के रिकवरी सेल ने तुरंत सेल द्वारा सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी निदेशक, मैं आगे नाम बता देता हूं, और प्रमोटर और जो मैनेजर्स हैं उन सब की जितनी प्रॉपर्टी इसमें से थी अटैच कर ली गई है, जो इससे रिलेटेड थी संपत्ति, बैंक अकाउंट, सारा कुछ अटैच कर लिया गया है सेबी के द्वारा। तो जिन लोगों का किया है उसमें मुख्य रूप से हैं आपके एल अहमद, ओपी दीक्षित, एएन मुखर्जी, असद अहमद, सीवी थापा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डीएस थापा, सुब्रोत राय, स्वर्गीय सुब्रोत राय, ओपी श्रीवास्तव,
जेबी राय, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एएस राव, पीएस मिश्रा, वाईएन सक्सेना, रनोज दास गुप्ता, सहारा इंडिया और इसके घटक भागीदारों को सामूहिक रूप से पत्र जारी कर खातों को अटैच करने की सूचना सेबी के द्वारा दे दी गई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी, आप लोगों को पता है। और इसके पीछे बीजेपी मान रही है कि सहारा के निवेशकों ने जो एक मुहिम चलाया था, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, जिसके चलते 13 करोड़ सहारा पीड़ितों ने बीजेपी का बहिष्कार किया और उन्हें वोट नहीं दिया। और चुनावों में भी अमित शाह को कई जगह पर काफ़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, सहारा के निवेशकों ने काफ़ी विरोध किया था। अब जैसे ही रिजल्ट घोषित हुए हैं, अचानक से मोदी सरकार सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। पहले तो ईडी की रेड 6 जगहों पर होती है और करोड़ों की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ईडी अपने साथ लेकर चली जाती है। साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा है कि वो पुणे में जो सहारा एम वैली है उसकी भी जांच अब ईडी करेगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ईडी कहीं ना कहीं सहारा एम वैली की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। इसके बाद लखनऊ में सहारा शहर का 100 एकड़ का जो लीज था उसको भी लखनऊ विकास प्राधिकार रद्द कर देता है। और अब जाकर सेबी ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो 14,106 करोड़ रुपया का अकाउंट था, जिसमें सभी प्रमोटरों और प्रबंधकों के नाम से जो एक बैंक अकाउंट्स थे, डीमैट अकाउंट थे, उन सब को ईडी ने जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है, या फिर कहें कुर्क कर लिया है, अटैच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब 14,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी, जो निवेश, जो कैश, जो भी था, अब उस सेबी के पास चला गया है। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक फूटी पाई नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह सहारा इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है। अभी 2 दिन पहले ही ओपी श्रीवास्तव ने भी एक पत्र जारी कर कहा कि अब वो सहारा ग्रुप में काम करने को इच्छुक नहीं है। जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसका वो स्वेच्छा से त्याग कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि आगे यदि सहारा मैनेजमेंट को कोई राय मशवरा करना होगा तो इसके लिए उपलब्ध है। कल का वीडियो मैंने इस पर डिटेल रूप से बनाया था, वो पत्र भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि जब ओपी श्रीवास्तव, जो कि सुब्रत राय के बाद माना जा रहा था कि नंबर 2 थे, उन्होंने भी सहारा कंपनी से अचानक से किनारा कर लिया और एक के बाद एक मोदी सरकार के द्वारा सहारा कंपनी के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, अकाउंट अटैच किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार सहारा ग्रुप से नाराज़ चल रही है, सहारा के निवेशकों से नाराज़ चल रही है। और इसी के एवज में एक के बाद एक कार्रवाई मोदी सरकार सहारा के खिलाफ कर रही है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस कहावत को चरितार्थ कर रही है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लोकसभा चुनाव में विशेषकर यूपी में मिली करारी हार के बाद बीजेपी अब इसका ठीकरा सहारा ग्रुप के ऊपर कहीं ना कहीं फोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जो भी हो, हमें तो अपना पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद है कि मोदी सरकार शीघ्र अति शीघ्र सहारा के निवेशकों का भुगतान सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का काम करेगी। तो एक बहुत बड़ी खबर थी सेबी के द्वारा सहारा की संपत्ति को अटैच करने को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।